नंदलाल। ओ लगे हर नंदी का भाग वरण नंदलाल। किसी भी बेटी को संसार में ऐसा दिन ना दिखाए कि उसका बाप हो गया बाबा जी और भाई कोई था नहीं। सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए कि देखेंगे हर नंद की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। सुनिए ना पहली लाइन में कवि ने क्या लिख दिया। हर नर नारी का क्या बाबा जी भात भरेगा, बोदा भाग्य बिचारी का। और किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का। अब भगवान की बारी आई और सबते पहलम हर नंदी को दखड़ी चीर उठाया था। हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था। और रथ में देख हाथ श्याम ने वो मनसा से टुपलाया था। श्रृंगार दिया बिछुए बाड़ी अजब निराली गहना करके प्यार दिया। और कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया। घोड़ा मिश्र दाक छुआरे सब पच्चीस मन तोल दिए। गुड़ शक्कर और खंड करारी के अलग पिटारे खोल दिए। और काजू और अखरोट संभाड़ो रे जो मन सा तन बोल दिए। काजू
परम आदरणीय हमारे बड़े भाई बलजीत जी शंकर ढाणी से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। देखिए ये भात था विश्वास का, ये भात था आस्था का, और ये भात था एक भक्त का। कहते हैं कि भाई अगर चाह हो तो हर जगह राह मिल जाती है। चाहती विश्वास था, पक्का यकीन था नरसी को कि मेरी हार नहीं होगी, मुझे पूरा है विश्वास मेरी हार नहीं होगी प्रभु। तीसरी बात में वो लोग अचंभित थे जो ये देखने आए थे कि भरी सभा में हर नंदी की बेइज्जती होगी, उनके मुंह पे तमाचा था ये भात भरना। सुनिएगा तीसरी बात में भगवान ने क्या क्या दिया है। तीसरी बात में क्या दिया, मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। और नरसी को भई नरसी को, अरे नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतलाए सब नरना। नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतलाए सब नरना। और धागे सुई तुम ले लियो न्यू कृष्ण जी बतड़ाए सुरमा शाही देखे ने फिर मेघ जोग सब निपटाए। हर नंदी की सास ने बोला था जो तेरे बाप के पास कुछ भी ना हो तो साहब दो पत्थर लेके आ जाए। आज वो दो पत्थर भगवान कहते हैं भई सोने के, आह सोने के भई सोने के दो पत्थर लियो जो बड़ी सास ने मंगवाए। सोने के दो पत्थर लियो जो बड़ी सास ने मंगवाए। और 25 मन चावल दे दिए, 25 मन चावल दे दिए, और 25 मन दार लगे हर नंदी को बात भरण नंदलाल। अनोखा दिया नरसी ने सारा सिरसा गढ़ हरसिया। जब ऊपर को करी नजर श्याम ने तो सवा पहर सोना बरसिया। ऊपर को करी नजर श्याम ने तो पहर सोना बरसिया। अब एक चीज इमेजिन करो कि अगर यहाँ पैसों की बारिश हो जाए तो आप भजन सुनोगे लेकिन वहां तो हमारा सोने की बारिश थी। और सोना कोई सकेर था घर पे, कोई सकेरे जाके बात पणिहारी पन घट पे सकेरे
बढ़िया लोग सके रे हाथ। और दो भी सोचे भई दो भी सोचे दो भी सोचे मैं घाट सके रूं मेरा सब ते दूने हो जाता। सबसे ज्यादा रबड़ इसमें किसकी बनी? धोबी की। क्योंकि कहते हैं कि जब वो घाट पे गया तो पानी भरने वाली अपने मटकों में पानी छोड़ा और सोना भर ले गई। अब जब घर खाली पड़ा था तो ऐसे पड़ोसी आ गए और घर में कूद गए, सारा घर का भी ले गए। अब धोबी ना तो घर का था ना। ये स्लोगन यहाँ से शुरू हुआ है, ऐसा कहा जाता है और लिखा। और धोबी सोचा घाट सके रूम मेरा सोते धोने हो जाता।